हेलो दोस्तों, चलिए रॉकेट की स्पीड से जैसे जान लेते हैं कि आखिर कंप्यूटर दो या दो से ज्यादा काम को एक साथ कैसे कर लेती है। इसे करने के दो तरीके होते हैं। पहला, कॉन्करेंसी, जिसमें कंप्यूटर का दिमाग यानी सीपीयू दो या दो से ज्यादा काम को कई हिस्सों में बांट के करती है। समझने के लिए ये मान लेते हैं कि मैं हूँ कंप्यूटर का सीपीयू और मेरे पास दो काम है, काम ए और काम बी। पहले मैंने ए को 25% कंप्लीट किया, उसे रख के मैंने बी को 25% कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने फिर से ए को 50% कंप्लीट किया और देन मैंने बी को 50% कंप्लीट किया और फिर ऐसे ही दोनों काम करता गया। ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि आपको लगता है दोनों काम एक साथ हो रहा है, लेकिन ऐसा रियलिटी नहीं है। इसे करने का दूसरा तरीका है पैरेललिज्म, जो कि सिर्फ तभी पॉसिबल है जब एक कंप्यूटर के पास दो या दो से ज्यादा दिमाग यानी सीपीयू होते हैं। जैसे इस बार हमारे पास दो सीपीयू है और कुल मिला के दो काम है। इस केस में दोनों सीपीयू इंडिपेंडेंटली एक एक काम को एक साथ कंप्लीट कर देता है। लेकिन रियल लाइफ में ये दोनों ही टेक्निक्स मिक्स कर दी जाती है। इसका मतलब ये है कि एक कंप्यूटर के पास एक से ज्यादा दिमाग यानी सीपीयू भी होता है और हर एक सीपीयू कॉन्करेंट भी होता है, जो कि कुछ इस तरह दिखती है। इस केस में दोनों सीपीयू एक साथ कॉन्करेंटली काम करता है। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस नॉलेज को शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।